बहुत सारे रीनेम कार्ड आप लोग फ्री में ले सकते हो बीजीएमआई एंड पबजी मोबाइल के अंदर। और कैसे ले सकते हो, चलो मैं वीडियो में बताता हूँ। और वीडियो में कोई भी देर नहीं करते, सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना यार, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग बढ़ लेते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ, जो किया जाता है गाइज हम लोग का यहाँ पे इन्वेंटरी के अंदर। आप लोगों को सिंपली अपने प्रोफाइल में जाना है, और प्रोफाइल में आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लेवल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अपने कलेक्शन लेवल का। यहाँ पे एक सिंबल आपको दिखने को मिल जाएगा केडी के नीचे, उस सिंबल पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे कलेक्शंस के अंदर। कलेक्शंस में लेवल होगा, ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा। तो भाई आपको यहाँ लेवल्स पे कलेक्ट करने के लिए रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे काफी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे काफी सारे रिवॉर्ड है, और इसी के साथ साथ में आपको 18 नंबर पे यहाँ पे एक रीनेम कार्ड देखने को मिल जाता है। यानी कि आप लोग जैसे ही अपना कलेक्शन लेवल 18 कर लोगे, आप लोगों को रीनेम कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग बोलोगे भाई मैं 18 लेवल कैसे करूं, तो बता दूं ये आईडी भी बहुत नई नहीं है, बट इसका भी कलेक्शन लेवल 21 हो चुका है। और आप लोग कैसे कर सकते हो, आप लोग को अपने इन्वेंटरी के अंदर कपड़े रखने पड़ेंगे। जैसे देख रहे हो ये सारे कपड़े जमा कर लो, सिल्वर शॉप से रिडीम कर लो कपड़े, एजी से रिडीम कर लो। और जो हर मंथ आप लोग को सीजन टोकन मिलते हैं ना, कौन से सीजन टोकन, ये वाले, इस सीजन टोकन से भी आप लोग कपड़े रिडीम कर सकते हो, ठीक है। पास सीजन में जाकर के आप लोग यहाँ पे शर्ट पैंट कुछ भी रिडीम कर सकते हो, इससे आपका कलेक्शन लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और लेजेंडरी लोगे तो ज्यादा प्लस मिलेगा, मिथिक और ज्यादा, एपिक से थोड़ा कम मिलेगा, बट कलेक्शन लेवल बढ़ेंगे सबके, बट बढ़ेंगे उसी के जो मेहनत करेगा। तो भाई कलेक्शन लेवल आप लोग इधर से बढ़ा सकते हो, और एक रीनेम कार्ड आप लोग को यहाँ से देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रीनेम कार्ड आप लोगों को कहाँ देखने को मिलता है। तो भाई आप लोगों को इसके लिए अपनी आईडी को 7 डे ऑफलाइन रखना पड़ेगा। 7 डे ऑफलाइन रखने के बाद आप लोगों का ये गिफ्ट बॉक्स वाला इवेंट यानी कि रिटर्नेड इवेंट खुल जाएगा। और रिटर्नेड इवेंट के अंदर जब आप लोग आते हो तो यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे मिशन डेली देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप लोग ऑप्टेन करके कलेक्ट ऑल कर सकते हो। बट साथ साथ में गाइस यहाँ पे ये सब तो कलेक्ट कर ही सकते हो, साथ साथ में यहाँ पे 8 डे का यहाँ शेड्यूल होता है। और 8 डे के शेड्यूल में पहले दिन ही आप लोगों को रीनेम कार्ड देखने को मिल जाता है। और काफी सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप लोग को कैसे मिलता है, 7 डे कैसे ऑफलाइन रहना है। तो देखो जिसके आईडी पे, मैं पहले बता रहा हूँ, एक मिनट ये कलेक्ट कर लेता हूँ। देखो जिसके आईडी पे एक गिफ्ट वाला डब्बा दिख रहा है उसको ऑफलाइन नहीं जाना है। जिसके आईडी पे एक गिफ्ट वाला डब्बा नहीं है, बस नीचे 2 ही डब्बे हैं, उन बंदों को 7 दिन के लिए एक्यूरेट, जैसे मानो 2 तारीख को बंद किया तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख तक पूरा ऑफ। और 9 तारीख को जितने बजे 2 तारीख को ऑफ किया था उतने बजे के 1 घंटे बाद 9 तारीख को खोल लेना। और ज्यादा कंफ्यूजन है तो फॉर सेफ्टी रीजन आप लोग 8 दिन बाद लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। कैलेंडर में डेली मार्क करते रहना दिन, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड लिस्ट में जा सकते हो और अपने ऑफलाइन फ्रेंड का यहाँ पे आपको टाइमर दिखा देता है, तो अपने उस आईडी को फ्रेंड में ऐड कर लो। और जब 7 दिन हो जाएंगे तो जैसे देख रहे हो आर बाला यहाँ 7 डे ऑफलाइन दिखा रहा है, 7 डे को, तो आप लोग की भी जब आईडी 7 डे एगो दिखाने लगे उसके बाद आप लोग लॉगिन कर सकते हो, आप लोग को ये रीनेम कार्ड का इवेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड जिससे आप लोग रीनेम कार्ड फोकट का फ्री में ले सकते हो। जी हाँ, तीसरा मेथड के बारे में। तो तीसरा मेथड आ जाता है गाइस, आप लोग को सिंपली अपने लेवल पे जाना है यार, अपने प्लेयर लेवल पे। और प्लेयर लेवल पे कैसे जाते हैं, अपने प्रोफाइल में आने के बाद प्लेयर लेवल पे आप लोगों को क्लिक करना है, आप लोग यहाँ लेवल में आ जाओगे। और यहाँ पे आप लोगों को लेवल 10 पे, जी हाँ लेवल 10 पे भी एक रीनेम कार्ड देखने को मिल जाता है। देख सकते हो मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर रखा है, बट पता नहीं आपने किया या नहीं, एक बार चेकआउट कर लेना जरूर से। यहाँ से भी आप लोगों को एक रीनेम कार्ड देखने को मिल जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ एक रीनेम कार्ड है, ठीक है। और मैंने पहले से कलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे रीनेम कार्ड मिल गया। तो गाइस ये थे 3 तरीके जिससे आप लोग फ्री में रीनेम कार्ड ले सकते हो, और पहला और दूसरा ज्यादा अच्छा है, और तीसरे वाले से आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने कलेक्ट कर रखा हो। तो ठीक है, यही 3 वे थे जिससे आप लोग फ्री में फोकट में रीनेम कार्ड ले सकते हो गाइस। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और छोड़ के मत जाओ, रुको क्रेट ओपनिंग करते हैं, देखते हैं तुम्हारा लक कैसा साथ देता है। भाई पता नहीं क्या होता, कुछ मिथिक मिल जाए तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, हम लोग के पास 3 क्लासिक क्रेट है, तीनों क्रेट को खोलते हैं और देखते हैं भाई तुम लोग का लक कैसा है। तीनों ही मेरे सब्सक्राइबर के नाम पे, पहला मेरे सब्सक्राइबर के नाम पे बूम फू, भाई किस स्किन, भाई कसम से गजब हो तुम लोग, गजब हो तुम लोग, गजब। अपने अपने लिए एक एक लाइक सब्सक्राइब कर लो। चलो नेक्स्ट खोल, ये भी मेरे सब्सक्राइबर्स के नाम, लेट्स गो। शर्ट मिला, नॉट बैड, वो लेडीज बोलती है ना वैसे, नॉट बैड। लेट्स गो भाई, जूता मिला, मतलब भाई आप बोल रहे हैं कि निकल जा, बाइक दे दी वही बड़ी बात।
तो चलो ठीक है गाइस, आप लोगों के लिए ये क्रेट ओपनिंग अगर आप लोगों को पसंद आई और वीडियो, तो प्लीज से वीडियो को लाइक कर देना, और मैं चलता हूँ, निकलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।